हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है सेक्स डिटर्मिनेशन। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सेक्स डिटर्मिनेशन, और चैप्टर अभी वही चल रहा है हमारा, द प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। मैं आपने देख लिया होगा कि चैप्टर को, जो वीडियोस को टॉपिक्स वाइज बना रहा हूं, ठीक है। कई सारे टॉपिक एक साथ नहीं ले रहा हूं, ठीक है ना। तो हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ते रहते हैं। तो आज जो हम लोग टॉपिक ले रहे हैं वो है हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन। तो अब हम लोग चलते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है। तो अब देखते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन की क्या डेफिनेशन है, क्या मतलब होता है इसका। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेक्स थ्रू डिफरेंशियल डेवलपमेंट इन एन इंडिविजुअल एट द टाइम ऑफ जायगोट फॉर्मेशन इज कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन। यानी कि किसी के सेक्स का निर्धारण होना, सेक्स का बनना, ठीक है, यानी मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है, किस समय पर, जायगोट फॉर्मेशन के टाइम पर, जब जायगोट बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक, जायगोट फॉर्मेशन होती है, और जब जायगोट फॉर्मेशन होता है उस समय पर सेक्स का निर्धारण होना, यानी मेल बनेगा या फीमेल, इस कॉन्सेप्ट को सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं, राइट। अच्छा, उसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन की एक थ्योरी है, उसका नाम है दी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक। अच्छा, ये जो थ्योरी थी किसने दी थी, ईबी विल्सन और स्टीवंस ने दी थी। कब दी थी, 1905 में दी थी, राइट। अच्छा, उन्होंने क्या बताया थ्योरी में, उन्होंने बताया कि जो एक्स वाई क्रोमोसोम्स होते हैं उनको एलोसोम या सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं, ठीक। अच्छा, और इसके अलावा जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो कि सोमाटिक कैरेक्टर के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। अच्छा, अदर देन सेक्स, ठीक है, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम्स के अलावा जो क्रोमोसोम होते हैं, मगर जीन वो अपने साथ रखते हैं, कंटेनिंग जीन्स, वो तो दोनों ही रखेंगे जीन्स, तो ये भी रखेंगे और ये भी रखेंगे, यानी एलोसोम्स के पास भी जीन्स रहेंगे और जो दूसरे वाले जो क्रोमोसोम्स आ रहे हैं उनके पास भी जीन्स रहने वाले हैं, वो तो दोनों के पास रहते हैं। अच्छा, तो क्या बोल रहे हैं, अदर देन सेक्स क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड ऑटोसोम्स। उनको क्या बोलते हैं, ऑटोसोम्स। यहां पर हम डिनोट करेंगे कैपिटल AA से, ऑटोसोम्स को किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल AA से, और जो यहां पे जो एलोसोम्स हैं या सेक्स क्रोमोसोम्स हैं उसको XY से। हालांकि हर बार जो ऑटोसोम्स होने, जो एलोसोम्स जो होने वाले हैं, इनको वैसे हर बार सिंबल अलग अलग होगा, क्योंकि आगे हम इंसेक्ट्स की बात भी कर रहे हैं, तो सिंबल अलग अलग हो सकता है, वो आपको बता दिया जाएगा कि सिंबल क्या है। आगे देखते हैं, देखिए कि ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ एलोसोम प्रेजेंट इन द गैमेट द पेरेंट्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स। यानी कि एलोसोम के बेसिस पर, ठीक, पेरेंट्स दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं होमोगैमेटिक पेरेंट, एक होते हैं हेटरोगैमेटिक पेरेंट। होमोगैमेटिक पेरेंट यानी कि जिसमें दोनों क्रोमोसोम सेम हो, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में XX किसमें होता है, फीमेल में। तो लेडी कौन होती है, होमोगैमेटिक पेरेंट होती है, क्योंकि उसमें दोनों प्रकार के क्रोमोसोम सेम है। और मेल कौन होता है, ह्यूमन बींग्स की बात करें अगर, तो कौन होता है मेल, हेटरोगैमेटिक होता है। हमारे इसमें मेल में कौन होता है, एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स में जो मेल हुआ वो हेटरोगैमेटिक हो गया, ठीक है। तो ये थे अभी डेफिनेशन और पेरेंट्स का डिविजन क्रोमोसोम्स के बेसिस पर, ठीक है। तो अब आगे हम लोग मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ते हैं, देखिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है, यानी कि कौन कौन से टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन होते हैं, ठीक है। तो एक तो होते हैं जिनमें मेल हेटरोगैमिटी हो, ठीक, और एक होते हैं जिनमें फीमेल हेटरोगैमिटी हो। अभी मैंने आपको हेटरोगैमिटी बताई दिया था, ठीक है। हेटरोगैमिटी का मतलब हुआ कि जिनमें दो अलग अलग शेप के क्रोमोसोम्स होते हैं उनको हेटरोगैमिटी कहते हैं। अच्छा, तो मेल हेटरोगैमिटी, अगर मेल हेटरोगैमिटी वाला सेक्स डिटर्मिनेशन हो सकता है, ये कौन कौन से होते हैं, मेल हेटरोगैमिटी में भी कौन कौन सा होता है, इसमें भी दो टाइप के हैं, एक होंगे XXXY टाइप, फाइन। अच्छा, यानी कि अगर मैं बात करूं XX और XY की, तो यहां पर XX जो चीज डिनोट कर रही है, XX जो चीज आ रही है, इसका मतलब ये फीमेल साइड से क्रोमोसोम्स आ रहे हैं, और XY इसका मतलब मेल साइड से क्रोमोसोम्स आ रहे हैं। ये एग्जांपल आपको देखने को मिल जाएगा ह्यूमन बींग्स में, ठीक, ह्यूमन बींग्स में होता है ना, ह्यूमन बींग्स में मेल हेटरोगैमेट होता है, ठीक है। अच्छा, और ऐसा ही सेम
ग्रास ऊपर्स में भी देखने को मिलता है, ठीक है, उनमें भी एक्स एक्स ये फीमेल ग्रास ऊपर से आ गया और एक्सओ मेल ग्रास ऊपर से आ रहे हैं, ठीक है। यहां पर कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, एक्चुअली में यहां पर जो एक्स वाई, हम सिर्फ यहां पर एक्स वाई का मतलब यहां पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो वाई क्रोमोसोम्स हैं, ये इसकी शेप डिफरेंट होती है, वाई क्रोमोसोम जो होता है इसकी शेप अलग होती है, ठीक है। अच्छा, जैसे जो क्रोमोसोम्स बनते हैं जब, तो जो क्रोमोसोम्स की शेप हो रखी होती है, मान लेते हैं नॉर्मल क्रोमोसोम है, वाई ह्यूमन बींग्स की केस में बात कर लेता हूं मैं, तो जो वाई क्रोमोसोम्स होते हैं ये शॉर्ट होता है थोड़ा, ठीक है, ओवरऑल जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो शॉर्ट होता है, छोटा स्ट्रक्चर बनता है इसका वाई क्रोमोसोम्स का। सेम ऐसे ही यहां पर शेप का फर्क है, ओ यहां पर जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ये मेल के अंदर मौजूद, ठीक है, डिफरेंट जो क्रोमोसोम आ रहा है जिसकी वजह से सेक्स डिटरमाइन होने वाला है आगे, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर ओ जो है। ऐसे यहां पर वाई, ठीक है, उस क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि आगे सेक्स को डिटरमाइन करवाएगा, ठीक है। अच्छा, यानी कि जो मेल में अगर वाई क्रोमोसोम नहीं आता तो मेल बेबी कभी नहीं बन सकता, तो वाई क्रोमोसोम आने पर ही मेल बेबी बनने वाला है, तो ये वाई क्रोमोसोम उसको, ऐसे यहां पर ओ क्रोमोसोम उस क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि आगे फर्दर मेल उसको सेक्स को डिटरमाइन करवाने वाला है, फाइन। अच्छा, तो ये एग्जांपल आपको देखने को मिल सकता है एक्सो टाइप का, ग्रास ऊपर और बग्स में, बग्स भी एक प्रकार का छोटा सा पतंगा होता है, ठीक है, आपने देख भी लिया होगा, हम कई बार बोल देते थे पासफेल पासफेल पासफेल, एक कीड़ा होता था, ठीक है, रेड और ब्लैक कलर का, तो उसको बग्स बोल देते हैं। अच्छा, तो अब आ जाते हैं फीमेल हेट्रोगेमिटी, फीमेल हेट्रोगेमिटी, तो जो फीमेल हेट्रोगेमिटी है इसके अंदर, अब इसका मतलब महिला में आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स होने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये बिल्कुल अपोजिट हो गया अब की बार, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या है, जेड जेड और जेड डब्ल्यू टाइप, ठीक, जो जेड जेड हुआ इसका मतलब जेड जेड पोर्शन किसका हुआ, मेल का, और जेड जेड डब्ल्यू किसका आ रहा आपकी बार, फीमेल का। और ये जो वेराइटी है सेक्स डिटर्मिनेशन की, ये किन में देखने को मिलती है, फिशेज में, बर्ड्स में और बटरफ्लाईज में, ठीक, इसके एग्जाम्पल है। ऐसे ही जेड 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 ओ टाइप मोथ्स में देखने को मिलती है, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल हम लेके यहां पर ले लेते हैं, ह्यूमन बींग्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं, बाकी सबके एग्जाम्पल भी सेम है, एज इट इज एज इट इज है। देखिए यहां पर एक बार एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए ह्यूमन बींग्स में जो मेल है उसके पास एक्स वाई क्रोमोसोम्स हैं, ठीक। अच्छा, और जो फीमेल है उसके पास एक्स एक्स क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। अच्छा, तो अगर मेल के पास से एक्स क्रोमोसोम आता है और फीमेल के पास से भी एक्स क्रोमोसोम आ जाता है, तो यहां पर एक्स एक्स मिल जाते हैं और बन जाता है फीमेल बेबी। अब अगर वाई क्रोमोसोम आता है और यहां से भी यहां से एक्स क्रोमोसोम आ जाता है, सपोज ये ऐसे बना देता हूं मैं, ठीक है। अच्छा, तो अब की बार एक्स और वाई मिल गए, तो अब जो बनेगा वो बन जाएगा मेल बेबी, ठीक है। तो ये एग्जांपल मैंने आपको डिटर्मिनेशन का बता दिया कि किस तरीके से होने वाला है, एज इट इज का एज इट इज सेम फिनोमिना आगे फर्दर पर भी होने वाला है, ठीक है, इन पर भी बिल्कुल सेम उसी तरीके से होने वाला है। जैसे अगर फिर एक और ले लेते हैं, अगर यहां से आ जाता है तो क्या होने वाला है, अगर यहां पर, अब क्योंकि ये हमारा फीमेल पार्ट है, क्योंकि ये मेल हेट्रोगेमेटी है, तो एक्सओ इज अ मेल, तो यहां से एक्स और यहां से एक्स आ जाता है, तो इसका मतलब फीमेल ग्रास ओपर बनने वाला है, और अगर इसका एक्स और इसका ओ आ जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या बनने वाला है, मेल ग्रास ओपर बनने वाला है। तो फर्दर ये कॉन्सेप्ट फिर इन पर भी और इन पर भी ऐसे ही सेम बनता है, ठीक है ना। तो ये है मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, आगे हम लोग आगे फर्दर दूसरा टॉपिक देखते हैं, चलिए आगे। अब स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं हमारा जो टॉपिक है अगला, वो है सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनीबी, यानी कि जो शहद की मक्खी होती है उसमें सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है। तो आइए देखते हैं, पहले तो इसको इसका जो अदर मेथड, जो उसका अदर नेम होता है वो क्या है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड मेथड, इसको हैप्लॉइड डिप्लॉइड मेथड भी बोलते हैं। आपको तो पता ही है ना कि हैप्लॉइड किसे बोलते हैं और डिप्लॉइड किसे बोलते हैं। जैसे हम जो है हमारे हमारी बॉडी के अंदर कितने 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं इनटू में 2, ठीक है, तो कितने होते हैं 46, तो
एन एन माने हैप्लॉइड, तो 23 इज हैप्लॉइड और 2n इसका मतलब 46। ठीक है, ये मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दिया। तो इनमें हैप्लॉइड डिप्लॉइड मेथड होता है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, तो अब इससे पहले कि हम लोग इसके डिटेल में जाएं, थोड़ा सा हम हनी बी के बैकग्राउंड को देख लेते हैं। इससे देखिए समझने की हम कोशिश करते हैं कि जो हनी बी होती हैं, ठीक है, ये कॉलोनी बना करके ठीक अपने बीव में रहती हैं, यानी छत्ते में रहती हैं। तो ये जो होते हैं इनमें तीन टाइप के रहते हैं, यानी कि पहले तो ये वैसे तो फीमेल्स होती हैं और मेल होते हैं। जो फीमेल्स होती हैं, ये फीमेल्स दो टाइप की होती हैं, एक होती है क्वीन और एक होती है वर्कर। और जो मेल होते हैं ये होते हैं ड्रोन। अब क्वीन और ड्रोन, इन दोनों का काम क्या होता है? क्वीन का काम होता है ठीक ये फर्टाइल होती है, क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन करवाती है। और जो वर्कर फीमेल होती है नॉन फर्टाइल होती है। ठीक, और ये रिप्रोडक्शन नहीं करती, और जबकि ये जो क्वीन होती है ये रिप्रोडक्शन करती है। और जो ड्रोन होता है ये इसका काम भी क्या होता है? फर्टिलाइजेशन करवाना। ठीक है, अच्छा, तो अब यहां पर जो इन दोनों के काम तो मैंने आपको बता दिए। जो वर्कर होता है, वर्कर का काम क्या होता है? वर्कर का काम होता है कि जा करके बाहर जाना, फूड कलेक्ट करना, नेक्टर को कलेक्ट करना, ठीक है, अच्छा, और जो है वो ला करके अब इनको फूड प्रोवाइड कराना, पूरे कॉलोनी के लिए फूड प्रोवाइड कराना, ये वर्कर्स का काम होता है। इसके अलावा जो है ये स्पेशल सिक्रीशन करते हैं। ठीक, अच्छा, तो जो जेली लाइक सिक्रीशन करते हैं वो बहुत हेल्पफुल होती है। ठीक है, वो किस चीज के लिए हेल्पफुल होती है? ये हनी बी में क्वीन बनाने के लिए हेल्पफुल होती है, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे। ठीक है, अच्छा, तो अब उसके बाद ठीक है, तो इसमें आपको बताते हैं वर्कर का काम क्या है। वर्कर का काम है फूड को प्रोवाइड करवाना। ठीक है, बाहर जाकर के फ्लावर से नेक्टर कलेक्ट करके उसको लेकर के आना। ठीक है, यानी कि शहद बनाने का काम वर्कर करते हैं। और जो ड्रोन और क्वीन होते हैं ये क्या करते हैं? ये रिप्रोडक्शन का काम करते हैं। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा हिंट बता दिया कि ये कैसे रहते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पर कि ये इनमें सेक्स डिटरमिनेशन कैसे होता है। तो एक्चुअली में जो मेल होते हैं, जिसको कि ड्रोन कहते हैं, जो रिप्रोडक्शन करेगा, ये हैप्लॉइड्स होते हैं। और इनके अंदर जैसे हमारे में, हमारी बॉडी में जो ह्यूमन बीइंग्स में हैप्लॉइड्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 23। ऐसे इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 16। हैप्लॉइड क्रोमोसोम 16 होते हैं। और जो फीमेल होती है इनमें 2n यानी कि डिप्लॉइड, और इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 32। ठीक, अच्छा, यानी हम जो खुद इंसान जो होते हैं हम तो डिप्लॉइड ही होते हैं, हमारे में मेल भी डिप्लॉइड और फीमेल भी डिप्लॉइड, मगर इनमें क्या होता है कि ड्रोन ठीक वो हैप्लॉइड होता है और जो फीमेल यानी क्वीन वो डिप्लॉइड होती है। पहले तो इस बात को क्लियर समझना पड़ेगा। अब होता यह है कि अच्छा एक बार और मैं आपको बता दूं कि हैप्लॉइड, ये जो हैप्लॉइड होते हैं इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। आइए इधर देखते हैं। तो जो मेल हनी बी जिसको कि ड्रोन कहते हैं और जो हैप्लॉइड होते हैं इनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 16 होते हैं। तो दे डेवलप्ड, ये बनते कैसे? तो ये दे डेवलप्ड पार्थेनो जेनेटिकली फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग। ये जो हनी बी होते हैं मेल हनी बी, ये अनफर्टिलाइज्ड एग से बनते हैं। और कौन सा प्रोसेस होता है? वो पार्थेनोजेनेसिस नाम का प्रोसेस होता है। ठीक, और मेल्स के बनने के फिनोमिना को, मेल्स के बनने के फिनोमिना को क्या कहते हैं? द फिनोमिना इज कॉल्ड ठीक एरेनोटॉकी। ठीक, अच्छा, अब एरेनोटॉकी एक ग्रीक भाषा से लिया हुआ शब्द है जो दो वर्ड से डिराइव्ड हुआ है। टॉकस, टॉकस माने बर्थ ऑफ, और एरन, एरन माने मेल पर्सन। ठीक है, अच्छा, तो यानी कि एरेनोटॉकी मेल पर्सन बनना, मेल पर्सन किसका बनना? यहां पर किसकी बात कर रहे हैं? मेल ड्रोन की बात कर रहे हैं, यानी मेल की बात कर रहे हैं। मेल का बनना, हनी बी के मेल का बनना, वो कैसे बनते हैं? वो बनते हैं जब अनफर्टिलाइज्ड एग से बनते हैं, अनफर्टिलाइज्ड एग।
जबकि आपको तो ये पता है ना कि सभी जितने भी आप पढ़ते हो आज तक आपने पढ़ा होगा कि जब तक दो गैमेट्स आपस में फ्यूज नहीं होते, यानी जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होता तब तक नया प्रोडक्ट ठीक है नहीं बनता, यानी नया बच्चा नहीं बनता है। तो मगर इनके केस में क्या होता है कि अनफर्टिलाइज्ड एग से ही बेबी बन जाता है, और इस फिनोमिना को पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। तो यहां पर जब हम इसको पढ़ेंगे अभी आगे प्रोसेस को, तो यहां पर मेल के बनने के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, मेल के बनने के प्रोसेस को तो एरेनोटॉकी बोलते हैं, और वैसे जब अनफर्टिलाइज्ड एग से जब बेबी बनता है तो इस कॉन्सेप्ट को हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। तो अब आइए देखते हैं कि जो फीमेल है हनी बी, ये मियोसिस करके यानी अपने सेल को डिवाइड करके ठीक है अपने क्रोमोसोम्स को डिवाइड कर लिया इसने, देखिए, जो कि हमारी बॉडी में भी होता है, हम भी इसी तरीके से करते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ठीक है, तो हैप्लॉइड बना लेते हैं अपने मियोसिस करके, अपने गैमेट्स को हम मतलब जो हमारे सेल्स होते हैं उनको डिवाइड कर लेते हैं और गैमेट सेल्स बना लेते हैं। तो ऐसे ही इसने भी किया, देखो यहां पर अपने आपको डिवाइड करके मियोसिस करके अपने को डिवाइड कर लिया अपने ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स डिवाइड हो गए, अच्छा तो यहाँ पर आप गैमेट सेल्स बन चुके हैं, मगर जो मेल होता है मेल में माइटोसिस डिवीजन ही होता रहेगा ठीक है, यानी कि इसके पास तो 16 है, अब ये डिवाइड तो करेगा नहीं आगे, तो ये 16 के और फर्दर कॉपी 16 to 16 आगे फर्दर 16 वाले सेल्स ही बनाएगा ठीक है। तो ये माइटोसिस करता है और फीमेल मियोसिस करती है ठीक है, क्लियर है बात। अच्छा अब होता ये है कि जब फीमेल ठीक के जब इनका जब वो सीजन जो होता है ठीक है उसको हम बोलते हैं, उसको टर्म को बोलते हैं निप्टियल फ्लाइट ठीक है। तो जब फीमेल क्वीन निप्टियल फ्लाइट पर जाती है ठीक, अच्छा वो सीजन का बेसिस पर होता है, तो उसमें तो जो मेल जो ड्रोन्स होते हैं वो कई सारे ड्रोन्स पीछे जाते हैं, तो अब ये जब क्या होगा जब ड्रोन जाएंगे साथ में तो उनमें से कोई एक ड्रोन फीमेल क्वीन को इंसेमिनेट कर देता है फाइन ठीक है। अब जब इंसेमिनेशन हो चुका है ठीक, तो जो जो अब यहां से जो स्पर्म आए हैं मेल के वो फीमेल के पास ठीक एक पार्ट होता है, एक स्पेशल ऑर्गन होता है, उसको हम बोलते हैं सेमिनल रिसेप्टिकल, क्या बोलते हैं सेमिनल रिसेप्टिकल। तो वो जाकर के जो इसके स्पर्म है वो जाके फीमेल के सेमिनल रिसेप्टिकल में स्टोर हो जाते हैं फाइन, सेमिनल रिसेप्टिकल में जाके स्टोर हो गए। अच्छा यानी कि अभी तक डायरेक्ट फ्यूजन नहीं हुआ है, सिर्फ स्टोर हुआ है, यानी कि जब ये इनसेमिनेट हुआ फीमेल को इनसेमिनेट किया तो इसके जो स्पर्म से ये अपने जो गैमेट से वो जाकर के फीमेल के सेमिनल रिसेप्टिकल में जाके स्टोर हो गए ठीक है। अच्छा अब होता क्या है कि फीमेल जो होती है ठीक ये कभी कभी अपने डक्ट पर ठीक प्रेशर एक्सर्ट करती है, जब प्रेशर एक्सर्ट करेगी ठीक तो होगा ये कि जो मेल की तरफ से स्पर्म आए हैं वो सेमिनल रिसेप्टिकल में जहां वो स्टोर है वहां स्टोर के स्टोर ही रह जाएंगे, आ नहीं पाएंगे बाहर, फ्यूजन के लिए बाहर नहीं आ पाएंगे ओके। अच्छा तो प्रेशर एक्सर्ट कर दिया फीमेल ने, अच्छा और जब प्रेशर एक्सर्ट कर दिया तब इधर वाला फिनोमिना होना शुरू हो जाएगा, तब क्या होगा क्योंकि अब फ्यूजन तो हो नहीं पाया, जब फ्यूजन नहीं हो पाया तो फीमेल के जो एग था वो एज इट इज का एज इट इज बेबी मेल में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां से क्योंकि अब क्योंकि फ्यूजन नहीं हुआ था तो 16 क्रोमोसोम्स हैप्लॉइड वाला और हैप्लॉइड वाला बेबी ही बन जाएगा ठीक है, तो मेल बन जाता है। तो यानी कि जो मेल बना एक्चुअली में ये विदाउट फर्टिलाइजेशन से बना है, और जो विदाउट फर्टिलाइजेशन फिनोमिना मैंने आपको क्या बताया अभी उसे क्या बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। तो यानी कि फीमेल ने विदाउट फर्टिलाइजेशन करे, मेल के विदाउट फर्टिलाइजेशन हुए गैमेट्स फ्यूज नहीं हुए उसके बावजूद जो है मेल बेबी बना दिया, पार्थेनोजेनेसिस करके मेल बेबी बनाया, तो यहां पर मेल हनी बी पैदा हो जाता है फाइन। अच्छा यानी कि ड्रोन बन गया, अच्छा जी। बट जब ये अपने डक्स पर प्रेशर नहीं लगाती, जब लगाती है तो मेल बन जाता है, और जब क्योंकि जब प्रेशर लगाया तो मैंने आपको क्या बताया कि जो सेमिनल रिसेप्टिकल जहां पे स्टोर हो रखे थे गैमेट्स वहां से निकल नहीं पाए ठीक है, यानी स्पर्म जो है वो निकल नहीं पाए और तब फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया तो मेल बन गया। बट
कभी कभी ये क्या करते हैं कि प्रेशर एग्जर्ट नहीं करती। जब प्रेशर एग्जर्ट नहीं करेगी तो फिर तो सिंपल फिनोमिना चलेगा, तब होगा ये कि जहां पे स्टोर थे सेमिनल रिसेप्टिकल में, जहां स्टोर हो रखे थे फीमेल की बॉडी में जाके स्पर्म्स, वो स्पर्म्स और फीमेल के 16 यानी कि इसके जो एग है ये दोनों फ्यूज कर जाएंगे। ठीक है, ये फ्यूज हो गए। ठीक है, अच्छा, और जब फ्यूज हो जाएंगे, फ्यूज होने के बाद एक नया बेबी बन जाएगा, क्योंकि आप तो देख रहे हैं आप फ्यूज हो चुके, तो एक नया बेबी बन गया, और जो नया बेबी बनेगा ये 32 यानी कि डिप्लॉयड बॉडी बनेगी। ठीक है, और ये बनेगा फीमेल। राइट, समझ गए आप सब। अच्छा, तो अब मगर मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि मेल कैसे बना और फीमेल कैसे बनी। मैंने आपको एक बात और बताई थी कि फीमेल भी दो टाइप के हैं, एक क्वीन है जो कि फर्टाइल होती है और एक नॉन फर्टाइल होती है जो वर्कर है, ये भी दोनों फीमेल्स। तो अब ये नॉन फर्टाइल क्यों, यानी ये बच्चा पैदा नहीं कर सकती जबकि क्वीन कर सकती है। तो ये कैसा होता है कि जब मैंने आपको वर्कर बताए थे कि इनका काम होता है स्पेशल जेली लाइक सब्सटेंस सिक्रीट आउट करना, ठीक, जो कि प्रोटीनियस सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, तो ये जेली लाइक सब्सटेंस जो कोई भी फीमेल ले लेगी अपने फूड के रूप में, ठीक है, तो वो तो क्वीन में कन्वर्ट हो जाती है। और जो जो फीमेल्स सिर्फ नेक्टर को खाती रहती हैं, जो वर्कर्स लेके आए थे ना फूड, ठीक है, वो नेक्टर ही खा रही है अगर, ठीक है, तो वो वर्कर्स में वो वर्कर ही आगे फिर वो फीमेल्स वर्कर ही रहेंगी, यानी कि वो नॉन फर्टाइल रहने वाली है। क्लियर होगी बात कि फीमेल्स में भी फर्टाइल और नॉन फर्टाइल कैसे बन रहे, यानी अगर फूड में जेली फूड खाया तो बन गया क्वीन, और अगर सिर्फ ओनली नेक्टर खाया तो बन गया वर्कर, यानी कि फीमेल नॉन फर्टाइल रही है। ठीक है, अच्छा, तो ये आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। जो आज हम लोग अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। ठीक है, तो वीडियो आगे अपना देखते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।